आपके अपने कोलकाता शहर के रिपन स्ट्रीट में खुल चुका है कपड़ों का एक बेहतरीन शोरूम। जी हाँ, आज इसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई है। इस नए कपड़ों के शोरूम का नाम है नाम्स फैशन। रमजान का महीना चल रहा है और अगर ऐसे में आप अच्छे से अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं और आप रिपन स्ट्रीट या फिर आसपास के रहने वाले हैं तो फिर एक बार जरूर विजिट करें नाम्स फैशन में। यहाँ पर खास महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे शानदार कपड़े रखे गए हैं। यहाँ की शानदार कलेक्शन और स्पेशलिटीज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और आसपास के लोगों के बीच इस शोरूम के उद्घाटन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 62 की पार्षद सना अहमद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने तरह तरह के डिजाइनर्स कपड़ों को देखा और इसकी रेंज को भी देखा और उनकी तारीफ की। इस मौके पर आम जनता को शोरूम की विशेषताओं का परिचय भी दिया गया। नाम्स फैशन के उद्घाटन तथा इस अवसर के दौरान विभिन्न सामाजिक व्यक्तियों की उपस्थिति ने इस शोरूम को और भी रंगीन बना दिया। तो आप भी देखिए इसकी कुछ झलकियां। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत तरह के सूट्स हैं और ये बहुत ही सही वक्त है जब उन्होंने आउटलेट की ओपनिंग कर ली है। ईद का समय है, ईद का वक्त है जी। लोग निकल रहे हैं घरों से, यही की शॉपिंग का टाइम है। ईद का जो आखिरी 5-6 दिन होता है, रमजान का जो आखिरी 5-6 दिन होता है, औरतें उसमें सबसे ज्यादा बिजी रहती हैं, शॉपिंग में लगी रहती हैं। तो जितने भी लोग आपके चैनल देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग नाम्स फैशन आकर यहाँ का कलेक्शन देखें। बहुत अच्छा कलेक्शन है। लड़कियों के लिए जितने पाकिस्तानी सूट्स होते हैं, हर तरह का सूट्स है, बहुत वैरायटी है, इंडियन सूट्स भी है। जी देखिए, यही बात है कि इनकरेज करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आजकल की जो लेडीज़ होती हैं उनको अपने घर से ही बहुत सपोर्ट मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है जी। और अपने टैलेंट को उनको फील्ड में लाकर उसको इसको इस्तेमाल करने का मौका मिलता है जी। पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, अब है माशाल्लाह से लड़कियाँ निकल रही हैं बाहर और अपना हुनर जो है उसको वो प्रैक्टिस में ला रही हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है आने वाले जनरेशन के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, कि वो लोग भी बड़े अपने बड़ों को देखकर वो भी आगे चल के अपने पैरों में खड़े। सबसे पहले सभी देखने वाले को मेरी तरफ से बहुत सलाम, नमस्ते और रमज़ान मुबारक सभी को, जो कि अभी ख़त्म ही होने वाला है। बट इस पाक मौके में ये जो नम्स बुटीक में मेरे को ये इनविटेशन मिला है कमरान हुसैन जी के तरफ से, कमरान अंकल मैं कहती हूँ उन्हें, बिकॉज़ मेरे पापा के वो अच्छे जान पहचाने थे और जैसे कि मेरे पापा सोशल वर्क करते थे, उनके जाने के बाद मैं भी उसी काम को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज जो ये इनॉग्रेशन हुआ है ये फैशन ये बुटीक शॉप का जो नम्स बुटीक करके है, ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। जैसे आजकल की औरतें घर पे रह के भी ऑनलाइन बहुत कुछ करना चाहती हैं और कर रही हैं, तो ये शो करता है, ये बुटीक के खुलने से ये शो करता है कि हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे बीच बहुत ऐसी औरतें हैं जो कि बहुत ज़्यादा कुछ केपेबल हैं। यहाँ के जैसे हम देख रहे हैं कि सारी लेडीज़ लोग ने ये खोला है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा तरीके से इसका इनॉग्रेशन हो रहा है एंड बहुत अच्छे तरीके से इनका कलेक्शन है यहाँ पर। तो ऐसे ही हमें भी हेल्प करते रहना चाहिए लेडीज़ को और बढ़ती हुए वुमेन को, कि वो भी आगे बढ़ सके और हर औरतों को ऐसी अपने तरफ से अपने अंदर के हर एक जो इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कुकिंग हुआ, स्मॉल बिजनेसेस हुआ, इसको हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके वजह से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। एंड मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी नम्स बुटीक के ओनर को एंड ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। एंड कलेक्शन बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही अच्छी जगह में है, रिपन स्ट्रीट के एकदम हेड के जगह में है और बहुत लोग आप लोग आइए और यहाँ से शॉपिंग करिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा है सब कुछ। थैंक यू। देखिए, माह रमज़ान मुबारक का सबसे पहले तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह बहुत पुरसकून तरीके से अमन अमान के साथ आज हमारा ये माह रमज़ान मुबारक गुज़र रहा है और बहुत खुशी की बात यह है कि एक खातून फिर मैदान में नज़र आ रही हैं अपने कारोबार के साथ, माशाल्लाह जिसकी हम लोग बहुत जस्तजू करते हैं, हमेशा उनकी पुष्पनाही करते हैं कि वो मैदान में आएँ, काम करें, अपना कारोबार करें। घर बार संभालती हैं ये लोग, लेकिन देखने में मिल रहा है कि अब जो है शाना बशाना कदम ब कदम मिलाकर ये चल रही हैं मर्दों के, और बहुत खुशी की अलामत है ये कि इन लोगों ने ये ठान लिया है कि अब हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। तो मर्द जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी बाहर निभा रहे हैं,
लेकिन औरतें जो हैं ये घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी भी निभाने के लिए निकल पड़ी हैं। माशाल्लाह ये कारोबार आप देख रहे हैं कपड़े का नैम्स के नाम पर नैम्स फैशन जो आज इसकी इफ्तिताह हुई है। मोहतरमा सना अहमद वार्ड 62 की काउंसिलर इफ्तिताह करके गई हैं और यहाँ पर बहुत सारे मेहमान सब आ रहे हैं इनकी पुष्पनाही करने के लिए, इनकी इज्जत अफजाई के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए, ताकि उनको ये महसूस हो कि उनके मानने वाले उनको देख रहे हैं, उनके काम को देख रहे हैं। और ये रिश्ते हलाल के लिए निकली हैं घर से अपने, तो कोई मामूली बात नहीं है। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ईद की मार्केटिंग जिन जिन की अभी तक नहीं हुई है वो एक बार यहाँ आएँ, बहुत सब इनके कलेक्शंस को देखें, इन ख़रीदारी करें, बहुत अच्छा लगेगा इनके, इन्हें भी अच्छा लगेगा कि इनके भी काम को लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है और इनके कारोबार को भी तरक्की मिलेगी। तो यही हम लोगों की तमन्ना है कि माशाल्लाह जिस तरह से राहत उनकी बड़ी बहन ने उनका साथ दिया है जी, तो ज़रूरत इसी बात की है कि हम लोग सब आगे बढ़ें और इन ख़वातीन के साथ दें, उनका उनको उनकी इस कारोबार को आगे बढ़ाएं। और तमाम लोगों से फिर एक बार आखिरी बार गुजारिश करेंगे कि ईद की मार्केटिंग अभी बहुत बाकी है, आप यहाँ पर आएँ, आकर देखें, यहाँ पर एक से एक कपड़े आए हुए हैं, आप ख़रीद सकते हैं। देखिए बहुत माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये इतना टाइम निकलने के बाद भी आज ओपन हो पाया है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और बस हम इतना चाहेंगे कि जिस तरह से सब औरतें कर रही हैं काम, आज मेरी बहन भी अपना एक शॉप खोली है काम करने के लिए। हमने हमेशा अपने स्पीच में यही कहा है कि हम औरतों को अपनी इज्जत के लिए काम करना पड़ता है, ज़रूरत के लिए नहीं, इज्जत बनाने के लिए ये करना ही पड़ता है। तो आज मेरी बहन ने अपना एक शॉप रूपन स्ट्रीट में किया है, आप आएँ यहाँ पर देखें, बहुत सारा कलेक्शन है और बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारा चीज़ जो है वो आपको होल सेल रेट में भी यहाँ पर मिलेगा और आने वाला दिन में यहाँ पर बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ हमारी उन औरतों को भी काम मिलेगा जो घर बैठे, मैंने हमेशा अपनी स्पीच में कहा है कि लोगों को घर बैठे अगर काम मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी औरतें हैं वो घर बैठे ही काम करना चाहती हैं। तो ये शॉप ओपन होने का एक ख़ास वजह ये भी है कि घर बैठे कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम मिलेगा। तो ये बस यही अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह से सिलसिला चालू रहे। और मेरी नाइमा जो मेरी बहन है, आज इस प्रेग्नेंट होने पर भी आज जिस तरह से वो लगन के साथ काम कर रही हैं, आने वाला दिन में भी इससे अच्छा काम करेंगी। जी हमने अभी कोशिश किया है स्टार्ट करके, अब और जितना होगा और उसको एक्सपेंड करेंगे। हम ज़्यादातर डीलिंग हम लोग का पाकिस्तानी सूट में है, कैजुअल में है, डिज़ाइनर वेयर्स भी है हमारे पास जो कस्टमाइज़ भी करते हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना भी वैरायटी हो सारे वैरायटी लेके चले, और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि मतलब जितनी भी औरतें हैं उसके लिए कुछ स्कोप निकले, तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अभी इसी से स्टार्ट किए हैं। होममेड है क्या ये कपड़े? नहीं, ये रेडी है, बट कस्टमाइज भी हमारे पास सब रेंज के, और स्टिचिंग्स भी हैं सारे। तो जैसे होगा वैसे ही हम लोग और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस हमारा 800-700 से स्टार्टिंग है। अच्छा। यहाँ पे और मतलब जितना आगे जाएंगे आप उतना कस्टमाइज में उस हिसाब से है, बहुत चीज़ में मतलब हम लोग कम में भी कर रहे हैं कस्टमाइज में। तो रेंज वैसे ही है, स्टार्टिंग टू 700 से हम लोग लो भी रखे हैं, हाई भी रखे हैं। लोकेशन क्या जरा बताएं? जी हमारा लोकेशन है ये सेंट ऑगस्टिन स्कूल जो है उसके पास पोशाक है वहाँ पे। एड्रेस है यहाँ 58 रिपन स्ट्रीट कोलकाता 60। हाँ कपड़े का कॉन्टैक्ट नंबर है 8276076859। 8276076859।